ये देखिए है मार्केट, ये रहा महल। ऊपर जाके एक बार देख लेना था क्या खुशी, चलना मोहित। गाइज वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइज अभी है हम जयपुर में, और अब जो मैंने बताया आपको कि यहाँ का ये बाहर का खाना बाहर का नाश्ता प्रॉब्लम दे रहा है। अपनी अपनी है, देखो कितना प्यारा दिख रहा है बच्चा। अब भी थोड़ी देर में ऐसा रेडी तो होके जा रहे हैं, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे हम जीन माता, नहीं 2.5 घंटे लगेंगे। सो 10 अभी 7:15 बज गई है। हाँ ला ना, मैं वो भी पकड़ लूँगी, ला वो भी पकड़ लेती हूँ। चलिए यार मुझे सामान लेकर जाना। सो गाइज जयपुर से जीन माता 115 किलोमीटर है, तो अभी हम यहाँ से जयपुर से निकले हैं। सो गाइज हम यहाँ रुके हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट लिए। 32 इंच का पराठा है, लेकिन अभी भूख नहीं है हमको, भूख लगेगी जब खाएंगे। रास्ते से आ रहा है। सो गाइज 14 किलोमीटर बाकी अभी जीन माता, बस पहुंच ही जाएंगे हम 10-15 मिनट में। तो मैं आगे का बताती हूँ, पहाड़ी पहाड़ी बड़े 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 बड़े। सो गाइज मैं पहले सोचती थी कि कब मेरा राजस्थान जाना होगा और कब हमारी कुलदेवी के हमारे दर्शन होंगे, लेकिन आज वो दिन आ ही गया फाइनली, और मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। बस कुछ मिनट की दूरी थी, आ गए हम अभी यहाँ। पिंक वाली में हाँ कम है, भर ले फिर उसमें, भर ले, ठंडा पानी डालना उसमें। पार्किंग की कोई भी चार्जेस नहीं है यहाँ पर। सो हम पहुँच गए थे, और अभी हम ले रहे हैं गुप्ता जी की दुकान से जो भी सामग्री होती है माता जी को चढ़ाने की, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही गए थे तो सब कुछ ही लेके जाना था माता जी के लिए। तो चुनरी वगैरह वहाँ से ही लेना था, और साड़ी मैं घर से लेकर गई थी। सो जब भी हम माता जी को फर्स्ट टाइम जाते हैं तो गंजोड़ा वगैरह बांध के जाना होता है, तो बस मैंने वही किया। वैसे तो माता जी को जिमाना भी होता है वहाँ पर, लेकिन मेरी जैसी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप सभी को पता है कि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो मैंने वो नहीं किया। मैंने पेड़े का और उसका ही भोग लगाया, और अंदर ना हमारे अच्छे से दर्शन हुए, और अंदर की शूट ने अंदर हम मोबाइल वगैरह कुछ लेकर नहीं गए, क्योंकि हमको भी ऐसा लगा था कि नहीं चलेगा, लेकिन गुप्ता जी ने बोला था अगर हम उनको बोलते तो हमको अंदर की शूटिंग वगैरह भी निकालने देते थे, लेकिन हम बोलकर आए हैं कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम अंदर शूट वगैरह कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए माता जी के, सोचा नहीं था। अरे खुशी को मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से गंजोड़े की गांठ उसको बांधना है, तो इसके साथ ही हमको जाना था। वैसे ये वाला रियल वाला नहीं था मेरा गंजोड़ा, लेकिन जो भी मेरे पास था मैं वो लेकर गई हूँ। फैमिली प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, तो वो हमारी भी है, तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो नहीं पास में है तो उसको एडजस्ट करना होता है। सो हम चारों ही दर्शन करने के लिए गए थे, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। सो ये लेकर जाना होता है, और लेडीज़ को ही ये थाली वगैरह सब हाथ में पकड़नी होती है। थाली हेवी थी, थाली की प्राइस 1100-1100 तक होती है, लेकिन गुप्ता जी ने हमको पैसे कम कर दिए थे, और मैं साड़ी गाड़ी में ही भूल गई थी, तो भावेश लाने के लिए गया था, तो मैं चुनरी की साड़ी लेकर गई थी माता जी के लिए। और ये जैसे कि दिख रहा है बस हम एंटर ही हो रहे हैं, और नीचे का ही मंदिर मेन है माता जी का, तो इसके लिए हम काजल शिखर ये बारी से नहीं गए, क्योंकि हमको गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और हमको एक ही दिन में तीनों धाम करने थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सालासर और खाटू श्याम भी मुझे करना है। तो यहाँ मुझे 2-2.5 घंटे लगे होंगे, लेकिन दर्शन भी हुए और सब हुआ, और फिर उसके बाद में हम गए माता जी के दर्शन कर लिए, और यहाँ से हम निकलने वाले हैं सालासर बालाजी के लिए। तो एक दिन में आराम से दर्शन हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। हाँ ठंडी में थोड़ा सा भीड़ के वजह से नहीं होते होंगे, लेकिन गर्मियों में गए तो आराम से दर्शन तीनों धाम के आपके हो जाएंगे। सो मेरे तो हुए। यहाँ मैं बना रही हूँ जैसे मैंने बनाते हैं, हम कोई भी तीर्थ पे जाते हैं तो ऐसी बिल्डिंग बना के रखते हैं, जो मेरी भी बन जाए ऐसी छोटी सी बिल्डिंग, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, छोटी सी बनाई है। और ये माता जी का न्यू मंदिर बन रहा है साइड में, तो उसका भी इस दर्शन हो गए हैं, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। पानी वगैरह की सब सुविधा है।
मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे जैसे कि धाम वगैरह पे, तो मैं वहाँ से चूड़ियाँ ज़रूर ख़रीदती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है चूड़ियाँ ख़रीदना। और यहाँ पर लाख की चूड़ी थी, और लाख की चूड़ी यानी कम रेट में भी थी और बहुत सुंदर सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे यहाँ क्या गर्मी नहीं हो रही, ये छाव है ना ऊपर। सो गाइस यहाँ खाई जा रही है कड़ी कचौड़ी। वो दुकान है कौन सी, जीन भवानी की, सब दुकानें यहाँ। और कड़ी कचौड़ी यहाँ का फेमस वाला फूड है, दूसरा तो कुछ दिखा नहीं मुझे। राम भगवान का। सो गाइस मेरे ना दर्शन हो गए, दर्शन कर लिए हमने, अभी निकल रहे हम सालासर हनुमान जी के लिए। 83 किलोमीटर। अरे रुको, कचौड़ी इन सब ने खाए थे, मैं माता जी के दर्शन के लिए चली गई। भाई भी गया था। हाँ भावेश भी खाते खाते आया था। सो हम कहीं रुकेंगे नहीं अभी, तो इसमें चला लूंगी मैं अभी काम, बाद में खाना खाएंगे। इस गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो बस गन्ने का जूस ही पी रहे हैं हम ज्यादा। हम गाड़ी के अंदर बैठे है। हाँ, और पापा बाहर, शर्मा जी गए हैं बाहर और हम बैठे हैं गाड़ी में। गाइस शर्मा जी के फ्रेंड्स देखिए कितने सारे बना लेते हो, दो मिनट में फ्रेंड्स बना लेते हैं। देखिए मेरे चैनल की वो कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हैं। हाँ देखो यार, धूप है यार, बहुत गर्म है मट्टी। चलो हम दिख रहे हैं। सो गाइस हम जा रहे हैं अभी सालासर जी। सो गाइस सालासर बालाजी पहुंच गए हैं हम, तो ज़्यादा दूरी नहीं थी, 82 किलोमीटर से 81 पड़ता है, और एक डेढ़ घंटे में आप आराम से पहुंच जाते हो। सो अभी हम पहुंच गए हैं, और देखिए ये दुकानें वगैरह हैं, तो थोड़ी दूरी पे पार्किंग है और वहाँ से पैदल जाना होता है। और आगे में है भगवान के मंदिर, भगवान के मंदिर के सामने ही हम प्रसाद ले रहे हैं थोड़ा, और एक बहुत भगवान को चढ़ाने के लिए लड्डू। और ये देखिए मंदिर है सामने की साइड में, अभी हम अंदर उतर चुके हैं, और आपको जैसे कि दिख रहा है कि हम जा रहे हैं दर्शन करने। सो यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आराम से भगवान अच्छे से दर्शन हो गए, दर्शन करके फिर हमें यहाँ से देखेंगे। सो आप भी दर्शन कर लीजिए। अभी पहुँच गए हम मंदिर में, दर्शन करेंगे। चलो उधर हूँ मैं। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं बाबा के सामने, और अभी दर्शन कर लेंगे। तो ऐसे लाइंस वगैरह है, इजी दर्शन है, कोई हार्ड नहीं है। और अभी बांध काम शुरू है मंदिर का। सो पूरा सोने से बना हुआ मंदिर है, जो दिख रहा है पूरा सोना लग। दर्शन हो गए हमारे, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। रहती भी इसके अंदर चिड़िया रहती क्या फिर? वीडियो चालू नहीं था। देखो सालासर बालाजी में आके हम ये कुल्फी खा रहे हैं, हमारे यहाँ बंद हो गई है, ये वाली बंद हो गई ना, मतलब कई जल्दी मिलती है। इधर चल रहा है अपन लगा देना क्या आपको। मोहित भावेश के हाथ का आ गया है कड़ा, मिल गया मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के। चलो हो गया, पैसे दे दिए। ओ भाई। सो गाइस बालाजी मंदिर के आसपास में ये जो स्टॉल चुनरी दिख रही है ना, वो बहुत ही कम रेंज में थी, मैं 100-100 रुपए में थी। और ये हम कैब देख रहे हैं क्योंकि खुशी घर पर उसके खुद की कैब भूल गई थी, तो हम वहाँ देख रहे थे, लेकिन लास्ट डे ही था हमारा, वहाँ से हमको निकलना ही था, तो इसके लिए उसने वहाँ ली नहीं, और उसको वाइट कलर के होना था, इसके लिए हमने वो छोड़ा। सो गाइस अभी हम सालासर से निकल गए यार। सो गाइज अभी हम सालासर से निकल गए, अभी जाएंगे हम खाटू श्याम के लिए। सो एक दिन में हो जाता है आराम से ये तीनों दर्शन। अभी खाटू श्याम में हम रेस्ट करेंगे, दर्शन करेंगे, और इतनी गर्मी है ना। सो गाइज अभी हम ना एक्वा का पानी लेने के लिए जा रहे हैं, कैन भरेंगे यहाँ से और कल हम पानी यहाँ पे
फिल्टर का पानी सही तरीके का नहीं मिल रहा है, बॉटल्स में भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिल्टर करा हुआ पानी यहाँ बस पलटाते नहीं आएंगे। यहाँ मिल गया हमको पानी ठंडा और एकदम फिल्टर हुआ। सो गाइस शर्मा जी अकेले है जो इतने गर्मी में भी तब भयंकर गर्मी में चाय पी रहे नहीं पीने वाले हम तो कुल्फी खाया है ठंडा भी। फ्रिज है ना उसमें सारी वो वाली बॉटल्स है लस्सी की नहीं। तो गाइस फैंटा लेकर आगे मुझे भी देना अच्छा लगती है भयंकर वाला वो गाइस। हम जा रहे हैं अभी खाटू श्याम मंदिर। यारे बच्चे कुछ यूनिक तो लग रहा नहीं, वैसे का वैसा ही है सब, सिर्फ सब जाना। सो गाइस हम पहुंच गए हैं श्याम बाबा मंदिर। मंदिर मीन्स कुंड के पास पहुंचे हैं हम, जहाँ श्याम बाबा का जो सिर दान किया था बाबा ने, तो वही ये कुंड में से निकला हुआ प्रकट हुआ था। तो हम वही दर्शन करने गए समय पहले और फिर हम वहाँ से हो गए। तो कुंड में पानी नहीं था, थोड़ा सा पानी था, बस पैर भिगो के हम वहाँ से निकले। और पहले जैसा नहीं रहा है वहाँ पर, जैसे कि थोड़ा बहुत पानी चेंज करे तो नहीं होता है, लेकिन अभी पानी भी चेंज नहीं हो रहा है शायद उसका। सो हम वहाँ पे दर्शन किए और फिर वहाँ से हम निकले बाबा के दर्शन के लिए। तो यहाँ से थोड़ी दूर पे, लेकिन यहाँ पर अगर रिक्शा से जाते हैं तो बेटर है, जल्दी से दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से अच्छा ही दूर पैदल जाना होता है मंदिर में। तो हम पहुँच गए हैं बाबा के मंदिर अने जहाँ लाइन लगती है, तो इजी दर्शन है ये भी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। सो अभी भी हमको आधे घंटा लग ही गया था, हमारे आगे देख सकते हो कितनी भीड़ है अभी। ये हो जाने के बाद सीधा ही रास्ता बस बाबा का मंदिर ही दिखता है यहाँ से, तो ये भी इजी दर्शन है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी श्याम बाबा के यहाँ। सब में ज़्यादा भीड़ हमको वही मिली और ये मंदिर है अभी हम दर्शन। अरे वापस कौन जाएगा बाबा, खा ले खा। सो गाइज एक ही दिन में हमने तीन धाम कर लिए और अभी हम निकले हैं थोड़ा सा बाहर निकल के। वो धाम थे जीन माता, सालासर बालाजी और अभी हमने किए खाटू श्याम जी के दर्शन। सो अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो हम बैक साइड से आए थे, अभी हम जहाँ से कौन सा फ्रंट साइड से हम बाहर निकले हैं, एग्जिट किया है हमने। सो अभी हम जा रहे हैं होटल में करेंगे, थोड़ा सा दूर यानी एक आध घंटे बाद में, एक आध किलोमीटर दूर, 20-30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम स्टे करेंगे, होटल मिलेगी कि नहीं मिलती ना जी। गाइस अभी हम जा रहे हैं, अभी होटल तो हमारा बुक हो गया है, अभी जाएंगे हम। हाँ हनुमान होटल में रुके तो 1000 रुपये ही चार्जेस है यहाँ के रुकने के, बता देती बाद में। क्या है हनुमान होटल वो थोड़ी, ये है सॉरी हनुमान पैलेस। चलो मोबाइल की बैटरी पूरे तरीके से डाउन हो रही है मेरा मोबाइल की, तो मैं जाती हूँ खाना खाने और फिर उसके बाद हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि बहुत थकान लग रही है। सो गाइस गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। आपको लग रहा है क्या कि हम राजस्थान में ही इतना ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं, राजस्थान में बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है इसी चाल। आज का ब्लॉग अब मैं यही एंड करूंगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, जो मैं बहुत थकी हूं मैं सो रही हूं। गुड नाइट।